आज राजभरों के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई है कि इनको नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और ये आजादी खून दे करके आजादी लेना पड़ेगा। ऐसी उनके सामने समस्या आ करके पूर्वांचल के सामने प्रदेश में खड़ी हो गई है कि राजभर के वोट लेने का काम जानते हैं और हक अधिकार देने का काम नहीं जानते हैं। इसलिए ये राजभर समाज कम से कम आपने बहुत नेता चुना और बहुत संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया, एक नया संगठन आपके सामने खड़ा हो रहा है जो कि आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए नीचे से ऊपर तक आज आपके कार्यकर्ता और आपका संगठन लड़ने के लिए तैयार है। और जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, तब तक को अधिकार नहीं मिलेगा। बिना लड़ाई का देश आजाद नहीं हुआ, बिना लड़ाई का आपको हक और अधिकार नहीं मिल सकता है। जबकि आपने आपकी भूमिका होती है सरकार बनाने में, सरकार बिगाड़ने में, अब बड़े बड़े गद्दारों को हटाने में आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए खून की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो एक दलबदलू नेता हैं उनको टिकट दे दिया गया घोसी उपचुनाव में, जो कि यहाँ एक राजभर को टिकट चाहिए था, लेकिन सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, आपको हम बता देना चाहते हैं, एक राजभर को टिकट दी है, एक गरीब परिवार का बेटा है जो मैदान में आया है और वो इन गरीबों की आवाज़ को जब सदन में पहुंचेगा तो इन गरीबों की आवाज़ को ले जाकर सदन में उस आवाज़ उठाने का काम करेगा और गरीबों के हक हिस्सेदारी दिलाने का काम करेगा। उसी बीच में जो है ओम प्रकाश राजभर इस बीच इस चुनावी रण में आ चुके हैं और वो कमल फूल पकड़ लिए हैं। साहब क्या उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात से जब कोई नाम लेता है ना, अब तो इतनी समझ लिए कि नफरत हो गई है कि कोई नाम लेता तो पीड़ा होता। हम लोग तो नाम भी लेना छोड़ दिए हैं, नाम भी लेना छोड़ दिया, हम नहीं हमारा पूरा समाज नाम लेना छोड़ दिया है। हमारा समाज इतना उनको घृणित उनसे हो गया है कि समझ लीजिए कि एक बनारस से ठगारा आकर एक ठगबंधन करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से और आजमगढ़ के को कह रहा है कि जिता दीजिए। बताइए घोसी में लोग नहीं हैं क्या? घोसी में राजभर समाज के लोग नहीं हैं या घोसी में गरीब समाज के लोग नहीं हैं? देखिए पूरा दलित वोट हम बता रहे हैं कि अरविंद राजभर जी और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है, क्योंकि एक गरीब परिवार का बेटा चुनाव लड़ रहा है इस रणभूमि में, इस उपचुनाव में। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यहाँ जिस तरह से जनसमूह उनका जहाँ भी सामने आता है, अभी दो दिन पहले भी आए थे और जनता के बीच में एक बड़ी जो है बातें किए थे कि आज जो है जिस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर और एक बड़ी मजबूती वो बता रहे हैं कि इसके सामने कोई टक्कर देने के लिए मैदान में नहीं आएगा। देखिए वो बता रहा हूँ मैं माननीय बेचूलाल चाचा के बारे में कि वो अपना डूबती हुई नैया बचाने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। उनकी नैया डूब रही थी, वो अब बचाने गए हैं। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं आपसे कि अगर वो नहीं जाते ना तो हम बता देते हैं कि उनकी नैया तो डूबी जाती है, डूब जाएगी, समझ लीजिए उपचुनाव में ही डूब जाएगी। हाँ, और एक गरीब का बेटा विधायक बनेगा यहाँ से अरविंद राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेतृत्व में। आपको हम बता देते हैं सदन में जाकर गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेगा, वैसा हम लोग प्रत्याशी लाए हैं, आपको ये भी बता देते हैं। और देखिए यहाँ हम लोगों ने नारा दिया है एक दबाओ दो भगाओ, एक दबाओ दो भगाओ, क्योंकि ये दोनों के बिना काम के हैं। इसलिए हम लोगों ने खास तौर से दलित समाज है, पिछड़े समाज है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि गरीब के बेटा को इस उपचुनाव में आप लोग विधायक बनाकर भेजिए और इन जो दलबदलू करने ठगबंधन करने वाले हैं, दलबदलू करने वाले हैं और जो बहुबल अपने आप को बनते हैं, इनको करारा जवाब दीजिए आप लोग। ये मेरा निवेदन है इस घोसी की जनता से, इस घोसी के वोटरों से, इस घोसी के समर्थकों से। ये देख रहे हैं ना हमारे हुजूम, हमारे युवा जो साथी खड़े हैं, ये सब लगे हैं अरविंद राजभर के पैरों। ये तो समझ लीजिए कि अभी टेलर है। हम लोग आने वाले समय में आपको बता देते हैं इतनी मजबूती देंगे, अब इसके बाद रात दिन एक कर देंगे अरविंद राजभर को जिताने के लिए। और क्या, ऐसे थोड़ी नहीं। और ठगबंधन करने वाले की बात आप एकदम बंद कर दीजिए आप लोग महोदय। हाँ, वो ठगबंधन करने वाला व्यक्ति है, उनमें से कोई आप लोग फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी डूब नैया डूब रही है और जमीन से ना जमीन उनके पैर तले जमीन खसक चुकी है। वो बस समझ लिए थूक गोटा नहीं रहा उनको,
क्योंकि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जिस ताकत के साथ उभर रही है वो हड़बड़ा गए हैं, वो हड़बड़ा गए, इतना हड़बड़ा गए हैं कि अब इन एगो चुनाव नहीं जीता पाए आ तब तक मंच पे अपने बेटा को लॉन्च कर रहे हैं कि देखो समाज के लोगों, अरे बुधुआ समाज के लोगों, अगर ये चुनाव तुम जिता दोगे भगेड़ू नेता को तो मेरा बेटा भी आने वाला है 2024 में सांसद का चुनाव लड़ने वाला, इसी चुनाव में उनको पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, दारा सिंह चौहान चुनाव नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। हाँ चलिए आपसे भी कुछ जानकारी चाहेंगे, जहां अभी देखने को मिल रहा है कि एसटी में राजभरों का जो है नाम शामिल होने के साथ साथ पूरे राजभर समाज जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है ऐसे सामने प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर इस समय आप लोग के सामने जो बातें रख रहे हैं आप लोग उससे घबराए हुए हैं या नहीं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे अगल बगल और साथ ही हमारे जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं आज इस प्रांगण में उपस्थित है पर्चे दाखिला के उपलक्ष में अरविंद राजभर के सहयोग के लिए। दोस्त कहने का मतलब ये है कि माननीय ओम प्रकाश जी का कुछ नहीं रह गया है। अच्छा। क्यों कि समाज को बनाने और वोट को इकट्ठा करने के लिए हर एक समाज की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या करते हैं कि दल बदल देते हैं, दल बदलने के बाद कभी यादव से तो कभी बड़े लोगों से, ये दल बदल बदल करके छोटे कार्यकर्ताओं को बेदीन कर देते हैं। हम मान लीजिए आज 15 महीने पहले जो है कि सपा से गठबंधन हुआ, हम लोगों ने सपा के लोगों को एकजुट करके हाथ में हाथ मिलाया साथ में चलने के लिए, उन्होंने फिर हट गए। कहने का मतलब ये छोटे कार्यकर्ता जो हैं, किसी भी पार्टी के अगर छोटे कार्यकर्ता होपलेस हो जाते हैं तो समझिए कि वो पार्टी ध्वस्त हो जाती है। हम लोग की यही दशा आज जो है कि 19-20 साल से हुई है, इधर से उधर इधर से उधर। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इसी के बाद अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आज उपस्थित है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहने के ही लिए तो हम लोग आए हैं कलेक्टरी पर पर्चा दाखिला के लिए, पर्चा दाखिला के लिए। और ये हमारी जो स्वाभिमान पार्टी जो गठन हुआ है और जो इस समय गठन हो करके आज अखाड़े के मैदान में उतरने वाली है, और आज के डेट में अब तो भाई पूर्वांचल में एक माने जाने जो है पूर्वांचल में राजभर जातियां रहती है, एक ताकत है। मैं स्वाभिमान पार्टी के स्टार प्रचारक मंत्री भी बनाए गए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, और आज हम सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। तो देश के लिए और संगठन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि हे नौजवान खून दो तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे, खून दो आज़ादी दिलाएंगे। ये अपनी जो बातें रख रहे हैं बिवाकी से जो हमारे सामने मौजूद रहे, और ये बातें जिस तरह से आपके सामने जो आई, और ये बातें इसलिए है कि जो ये राजभर समाज को लेकर जो है बड़ी एक घमासान जो युद्ध छिड़ गया, और ये महासंग्राम इस समय जो है घोसी में देखने को मिला है। आपको बता दूं कि जो आपने ये लाइव तस्वीरें दिखा आज एक नामांकन के दौर पर जो है इस उपलक्ष्य में सभी लोग की उपस्थिति है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।